चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट? नेता नहीं, जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। ये देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं आवाज आ रही है। नमस्कार, आप बंदे हैं, योगी जी मंच पर आ चुके हैं। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पर कवरेज देख रहे हैं, किस तरह से हम आपको पूरी लाइव कवरेज दिखा रहे हैं, आपको ISN7 पर दिखा रहे हैं। आपने देखा होगा डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए सभी प्रमुख स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित कर दिया। जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था मऊ में भव्य स्मारक, दिल्ली में भव्य स्मारक, जहां उन्होंने इंग्लैंड में शिक्षा अर्जित की थी वहां पर भव्य स्मारक के साथ साथ उस बिल्डिंग को खरीदा और अनुसूचित जाति के जो नौजवान इंग्लैंड में पढ़ाई करने के लिए जाएंगे उनके लिए छात्रावास के साथ साथ वहां पर उनके लिए बेहतर सुविधा की व्यवस्था वहां की है। नागपुर में जहां उन्होंने दीक्षा ली थी वहां पर भव्य स्मारक और जहां पर उनकी अंतिम यात्रा निकली थी मुंबई में चैत्य भूमि भव्य स्मारक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का किसी ने बनाया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया है। ये लोग सपा वाले लोग, ये तो रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट सुरक्षा के लिए खतरा है। कैसे एक तरफ मुजफ्फरनगर के गौरव और सचिन जैसे नौजवानों के साथ साथ सैकड़ों किसानों के खून से इनकी टोपी रंगी हुई है और दूसरी तरफ राम भक्तों के खून से भी ये टोपी रंगी हुई है। इसलिए सतर्क रहना, इनसे दूर भी मत भटकने देना और इसलिए सावधानी और सतर्कता के लिए आज मैं आया हूं। किठौर में श्री सत्यवीर त्यागी जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। भाइयों बहनों, सत्यवीर त्यागी तो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे, आपकी बात को लखनऊ तक पहुंचाने का काम करेंगे। असली काम सरकार को करना है और सरकार दमदार चाहिए, दमदार सरकार जो विकास भी करा सके और दंगाइयों से ठीक ढंग से निपट सके। दंगाइयों के सामने तुम दबाने वाली सरकार नहीं, ये सपा बसपा के लोग तो तुम दबा करके दंगाइयों के सामने मौन हो जाते हैं। हमें तुम दबा करके चलने वाली सरकार नहीं, हमें सोच ईमानदार और काम दमदार वाली सरकार चाहिए। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी एकमात्र विकल्प है और एक दमदार सरकार के लिए सत्यवीर त्यागी का जीतना अत्यंत आवश्यक है। आप सभी सहमत हैं सत्यवीर त्यागी से? सभी लोग यहाँ पे हमारे ग्राम प्रधानगण भी हैं, ये सभी मैं आपका अभिनंदन करता हूँ कि आपने सत्यवीर त्यागी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में श्री सत्यवीर त्यागी जी को समर्थन किया है।
निरंतर करता हूं, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए इस मंच पर आए हैं। और मैं इसलिए आप सबसे, सभी लोग सहमत हैं, सत्यवीरता की चुनाव जीत के जाएंगे, आश्वस्त होकर के जाओ। सभी लोगों से मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इस तरह से ये आप महिलाएं जाते हैं, आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन यहाँ पर आप देख सकते हैं मौजूद है और खुशी का माहौल चारों तरफ, इस तरह से चारों तरफ यहाँ पर जो है भगवान हो गया है। और हमको लगातार बता रहे हैं यहाँ पर जो जनता है सारी यहाँ पर सपोर्ट है, सपोर्ट के लिए है। इसी तरह से लगातार अगर आप भाई सब को देख रहे हैं तो किस तरह से यहाँ पर समाज जनसैनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जनसैनाब फैला हुआ है, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। मैं अपने कैमरे में चाहूँगा दिखाइए यहाँ पर सारा तस्वीर आप दिखाइए किस तरह से ये पूरा देखिए, ये देखिए देखिए आपने चाहूँगा इधर दिखाइए, इधर दिखाइए, काफ़ी भीड़ यहाँ पर जमा है, काफ़ी लोग यहाँ पर आए थे और यहाँ पर लोग